गर्मी का कहर जारी, बाजार में देसी फ्रिज की मांग बढ़ी। इन दिनों गर्मी का सीतम कहर बरपा रही है। रामगढ़ जिले में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। गर्मी की शुरुआत होते ही रामगढ़ के आसपास के बाजारों और सड़कों के किनारे देसी फ्रिज की बिक्री शुरू हो गई है। बढ़ती गर्मी के कारण मिट्टी से बने घड़े सुराही की काफी डिमांड होने लगी है। इन बाजार में आसपास के गांव से आकर व्यापारी मिट्टी के बनाए घड़े सुराही को बेच रहे हैं। बाजार में इनकी कीमत 100 रुपया से 150 रुपये तक है। बालू और मिट्टी के मिश्रण से बनाए गए घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे पानी थोड़ा बाहर आता रहता है, जिससे घड़ा गीला रहता है और हवा के संपर्क में आने से घड़े का पानी फ्रिज की तरह ठंडा रहता है। इस वजह से लोग घड़े का पानी काफी पसंद करते हैं। ग्राहकों का कहना है कि मटके का पानी पीने से शरीर का पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। घड़े का पानी से मिनरल की कमी पूरी हो जाती है, इसलिए गर्मी में फ्रिज से बेहतर मटका का पानी पीना माना जाता है। फ्रिज का पानी पीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा होती है। ऐसे में लोग गर्मी में राहत पाने के लिए मिट्टी के बर्तन का सहारा लेते हैं। मटके का एक गिलास पानी गले को एक अलग प्रकार का तरावट का एहसास कराता है। सोना न्यूज रामगढ़ से राहुल सिंह के साथ रघुनंदन प्रसाद। जैसे जैसे गर्मी आ रही है, डिमांड है गर्मी के ऊपर में। कितना में बेच रहे हैं? तो 150 रुपये बेच रहे हैं एक पीस। और कितना दूर से आ रहे हैं? आ रहे हैं अभी असरी कॉलोनी से हैं। कई किलोमीटर होगा यहाँ से? है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, हाँ। 5-6 किलोमीटर पड़ेगा है रेलीगढ़ बाजार। 6 किलोमीटर गाड़ी का पानी में मिनरल्स ज़्यादा होता है, उसकी ठंडक से गले में कोई परेशानी नहीं होता है, इसीलिए घड़े का पानी यूज करते हैं। अब हमें खरीदते हैं 150 बोलते हैं तो 110 देंगे, कोई 100 रुपया दे के चलता। कब से बेच रहे हैं घड़ा? 8 साल से बेच रहे हैं। 8-9 साल। बिक्री कैसा है अभी घड़ा का? अभी तो यही 130-120, कोई साइजे जो समझते हैं 100-150-140 देते हैं, हमें तो फिर नहीं मिलता है।